हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि स्टार्टिंग है साग से हुई है, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था साग खाने का, तो मैंने कहा आज पका ही लेते। और ये मैंने कल शाम को ही ख़रीदा था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं साफ़ करूँ उसको, तो मैंने इसको बालकनी में रख दिया कि चलो रात में ठीक रहेगा, मौसम चेंज ही है, ठंड है, लेकिन वो फिर भी इतना ख़राब हो गया। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और सिर्फ अभी तक सिर्फ साग ही है, बाकी इसकी जो चीज़ें डलनी है, पालक, बटर, मिर्चें, सारा कुछ अभी लेने वाला है। वो मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, वो सब कुछ आगे चल के बताती हूँ जी। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब बारी थी नाश्ते की। ये जो बैकग्राउंड पे शोर है, ये पैरट्स का है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल बर्ड्स एनिमल्स पसंद नहीं है, लेकिन ये जो शौक है ना बच्चों के, और जो इनके पापा जी शौक पूरे करा देते हैं और माओं के गले मुसीबत डाल देते हैं, इनकी वजह से इतनी डस्ट होती है और पूरे घर में फैल जाती है। और अपना खाना और अपने पर तो ये इतने बाहर गिराते हैं ना, मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं इनको उड़ा दूँ। बच्चों का तो सिर्फ नाम ही है, वरना शौक तो ये सारे मेरे हस्बैंड के हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी एक पैरट था, जो मेरी सास को अम्मी अम्मी कहता था, क्योंकि मुझे लगता था बर्ड से और एनिमल से डर, तो मैं उसको बार बार कहती थी कि ये उड़ ही जाए, पता नहीं उड़ता क्यों नहीं है, और वो सच्ची में उड़ गया। और जब मैं यहाँ स्पेन आई, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ था पैरट, ये तो अब मैं ये नाश्ता वगैरह करके बाहर जा रही थी बाकी का सामान लेने। मैं अकेली जा रही थी, ईसा को नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि ईसा ने बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया हुआ है आजकल, क्योंकि वो कहता है कि मुझे उठा के चलो, तो मेरे लिए उसको उठा के इतनी दूर दूर तक जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माशाल्लाह से वो हैवी और बड़ा हो रहा है अब। तो ये मैंने लिया है बटर। आपने भी कहना कि मैं रोज़ाना ही गई होती हूँ कुछ ना कुछ लेने, क्योंकि जी ये डिपार्टमेंटल स्टोर मेरे घर से है भी बिल्कुल करीब, और ऊपर से यहाँ पे कोई ला के देने वाला है नहीं, इसलिए हमें अपने पाओं को खुद ज़हमत देनी पड़ती है और जाके सामान लेके आना पड़ता है। और ये मैंने ली थी पालक। पालक यहाँ की बहुत अच्छी है, साफ है बिल्कुल, कोई गंदी नहीं मिलती। पाकिस्तानी और इंडियन शॉप से जो मिलती है वो बहुत गंदी होती है। तो ये 300 ग्राम थी, मैंने दो पैकेट ले लिए थे, क्योंकि साग भी कम था तो मुझे लगा था इतनी पालक इनफ होगी। काम इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना होता है, और बच्चों ने तो खाना नहीं होता साग, उनके लिए मैंने अलहदा फिश बना दी थी। इन दोनों चीज़ों के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि मैंने पहले ही ग्रॉसरी की हुई थी, ये तो अब साग बनाना पड़ गया तो मुझे लेनी पड़ेगी। और ये साथ ही फार्मेसी थी, तो मैंने सोचा मेडिसिन भी लेती चलूँ, क्योंकि पैरासीटामोल तो नॉर्मली यूज़ होती है हर घर में, बाहर जाएँ तो 100 काम और याद आ जाते हैं। ये काम भी तब याद आते हैं जब बच्चे घर हों, वरना वो अपनी तरफ से माइंड डाइवर्ट होने ही नहीं देते। ये छोटे मोटे काम तो पाकिस्तान में छोटे बच्चे ही कर दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छोटे बच्चों से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि 9 ईयर्स तक तो बच्चे ने अकेले बाहर नहीं ना जाना। इन्होंने बड़ा प्यारा सा प्ले एरिया भी बनाया होता है, हर फार्मेसी में ही होता है ऑलमोस्ट बच्चों के लिए, लेकिन हमारे जैसे बच्चे प्ले एरिया के टॉयस की बजाय उनकी मेडिसिन के साथ खेलते हैं। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अब उनके खेलने की उम्र है, उन्होंने बड़े होके तो नहीं ना खेलना, बच्चों को उनका चाइल्डहुड इंजॉय करने दें। क्या होगा, वो टॉयस के साथ खेलेंगे तो उन्हें खेलना आएगा, खेलेंगे तो तोड़ेंगे, और तभी तो वो बाहर जाएंगे, वरना तो वो यहाँ पे संभले ही रह जाएंगे। मेरे मेडिकल कार्ड में थी पैरासीटामोल, एलर्जी की टेबलेट और शैम्पू। पैरासीटामोल तो नॉर्मल, और एलर्जी ये जो यहाँ पे है हमें मोस्टली इस सीजन में होती है, हर किसी को ही होती है। और मजे की बात बताऊँ तो हमें ये यहाँ की टैबलेट से फर्क कोई नहीं पड़ता, हमने पाकिस्तान से मंगवाई हुई, फिर भी बाय चांस, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है, कोई आने जाने वाला नहीं है, वो नहीं खत्म होगी भी ये टैबलेट, तो इसलिए अब हमें ये यूज करनी पड़ती है। मैं वैसे बहुत कम टैबलेट यूज करती हूँ, कि अगर मुझे हल्की सी हेडेक भी हो या फ्लू वगैरह हो तो मैं इग्नोर करती हूँ कि चलो इस तरह ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा टैबलेट्स मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। मैं वैसे ही थायराइड की टैबलेट खा के थकी हुई हूँ, तो मेरा तो इसलिए दिल करता है कि कोई और एक्स्ट्रा टैबलेट ना ही लूँ। हेडेक से याद आया कि मेरी दादी सास के जब भी सर में दर्द होना ना, तो वो 8-10 बादाम खा लिया करती थी, कहती थी कि मेरा इसी से ठीक हो जाएगा, और उनकी एज 90+ थी जब उनकी डेथ हुई है। तो ये मैं साग बना रही थी, तो इसमें से एक निकल आया काराकोल, पता नहीं कैसे निकला है, वैसे होता नहीं मोस्टली ऐसे, लेकिन पता नहीं कैसे, तो मुझे तो इसको देख के कुछ डर ही लगने लग गया ना। फिर है मैंने साग दूसरे उसमें डाल के ट्रे में, तो ये मैंने बच्चों को दिखाने के रख दिया, वो स्कूल गए हुए थे, इसलिए रख दिया कि चले बच्चे देख के खुश होंगे। और छोटी क्लास में ना इब्राहिम का प्रोजेक्ट भी था, इन्होंने काराकोल बनाया था। यहाँ पे ज़्यादा इस तरह के इंसेक्ट्स और एनिमल्स तो होते नहीं, तो इसलिए अगर हमारे घर में एक फ्रूट फ्लाई भी आ जाए ना, बच्चे उसको भी बड़ा इंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं, मैं कहती हूँ इसकी खैर कोई नहीं है, ये अब हमारे घर में आ गई है।
बस फिर साग को मैंने बना के काट के और अब वॉश कर रही थी उसको। वॉश इसलिए इस तरह अच्छे से करना होता है कि इसके अच्छी तरह मट्टी वगैरह निकल जाए। साग बनाना तो सबको ही आता होगा और मजे की बात बताऊं ना तो मुझे कुकिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं था और अभी भी नहीं है, somehow कर लेती हूँ क्योंकि पकाना है तो खाना है ना। कुकिंग मैंने कभी भी नहीं की थी, अम्मी ने कभी काम करने नहीं दिया था, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे रोटियां पकानी भी नहीं आती थी जब मेरी शादी हुई थी, और रोटियां पकानी मैंने शादी के बाद सीखी थी। और जब मेरे ससुराल में मैं आई तो ये तो इतनी बारीक बारीक रोटियां खाते, मैं तो देखती रह जाती कि हाई इतनी मुश्किल कैसे बनाते हैं। वो देख देख के अपनी आंटी को तो वो मुझे काफ़ी कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग मैंने इसलिए कभी नहीं की थी क्योंकि स्टडीज़ के टाइम ही मेरी शादी हो गई थी, स्टडीज़ भी मेरी शादी के बाद तक कम्प्लीट होती रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि जो भी मैं बनाऊँ ना वो खा लेते हैं, और इसीलिए अब पका के मुझे रोटियाँ बिल्कुल ठीक पकानी आ गई और कुकिंग भी काफ़ी हद तक आ गई। सीखने की कोई भी एज नहीं होती, जिस टाइम भी आपको मौका मिले आप ज़रूर सीखें और हमेशा सीखते ही रहें। अब बात करते हैं साग की। साग यहाँ पे एक केन में भी मिलता है, बना हुआ होता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा तड़का वगैरह लगाना होता है तो वो रेडी होता है। मुझे वो साग पसंद नहीं है इसलिए मैंने ये फ्रेश साग ला के इसकी इतनी मेहनत करके इसको पकाया है। अब इसमें सिर्फ मैंने नमक, लहसुन, ग्रीन चिलीज और पानी में से ज़्यादा डल गया था और फिर मैंने उसको तेज़ आंच पे पकाया था। जब ये अच्छी तरह पक गया था, पानी काफ़ी हद तक बहुत बिल्कुल ड्राई हो गया था, फिर उसमें थोड़ा सा आटा डाल के उसको बीट कर लिया था, तो बस साग तैयार हो गया था। और मेन इसका था तड़का लगाने, वो मैंने मक्खन में लगाया था। मक्खन में थोड़ा सा प्याज को सौते करके और उसमें लहसुन अदरक ज़्यादा से डाल के उसके बाद आप हल्दी डाल दें, या यहाँ पे रेड चिलीज मिलती है, रेड चिली पाउडर, जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं होती, फीकी होती है, वो मैंने डाला था और फिर मज़ेदार साग तैयार था। तो ये साग टोटल बना था 3 यूरो किलो, किलो से थोड़ा सा कम था, लेकिन पालक वगैरह लेके बटर लेके तो ऑलमोस्ट 5 यूरो का था, तो 5 यूरो नियरली इक्वल टू 1500 इन पाकिस्तान। ये बताने का मतलब ये था कि 80 रुपए वाली साग की कदर किया करें पाकिस्तान में, कुछ लोग इसको खाने के लिए 1500-2000 भी खर्च करते हैं। और ये थी साग की फाइनल लुक जो कि बहुत ही अच्छी थी। अब मैं 3 डेज के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा साग खाने का। अब बारी थी बच्चों के लिए फिश बनाने की, वो भी मैंने बटर में बनाई थी। सिंपल फिश के ऊपर योगर्ट, नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट और विनीगर ऑप्शनल है लगा के उसको इस तरह तवे पे या किसी पैन में थोड़ा सा बटर डाल के स्टीम कर ले तो बहुत अच्छी बन जाती है, वो इजीली खा लेते हैं। और हमने ये अपना लंच इंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत वेदर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।